लोहरा तोहरा लात से बॉक्साइट झरता, लात से बॉक्साइट झरता, लात से सब सूर जमावे कक्ष के रन में। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर, ये क्या है, भारत में बॉक्साइट के उत्पादक राज्य है। तो मेरे स्त्री को याद रखना, कर्नाकर के छौड़ी उत्तर प्रदेश से गुजरी है, अछौड़ी महाराष्ट्र से गुजरी है, अछौड़ी झारखंड से गुजरी है, अछौड़ी तमिलनाडु से गुजरी है, अछौड़ी जम्मू कश्मीर से गुजरी है। मेरा सीधा साधा भोला भाला नायडू बॉक्साइट ले गया हो, हो रब्बा हो रब्बा हो। आइए अब हम सब जाने बॉक्साइट के बारे में। तो बॉक्साइट एक अलौह धातु निक्षेप है। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉक्साइट में लोहे का अंश नहीं होता है, जिससे एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। तो एल्युमिनियम कहाँ से निकाला जाता है, बॉक्साइट से। तो बहुत बिग प्रश्न है। बॉक्साइट के उपयोग वायुयान निर्माण में, जो हवाई जहाज बनता है उसमें इसका उपयोग होता है। विद्युत उपकरण निर्माण में, तो एल्युमिनियम का तार वगैरह देखबे करते हैं विद्युत, तो ये नहीं हो जाएगा। घरेलू साज सजा के सामानों के निर्माण में, बर्तन बनाने में, एल्युमिनियम के बर्तन नहीं देखे हो, अब परीक्षा में आता ये सब नहीं लिखाएगा कि बर्तन बनाने में, सफेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार 3,037 मिलियन टन है और देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार किस राज्य में है, उड़ीसा में है। तो ये बात सब याद रखेंगे। गुजरात भारत का 17.35% बॉक्साइट उत्पादन करके दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर है उड़ीसा। नहीं तो गुजरात में कहां कहां बॉक्साइट मिलता है, आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात में कहां कहां बॉक्साइट मिलता है। तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। सब सूर जमावे कक्ष के रन में, सब सूर जमावे कक्ष के रन में। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे सबरकंठ, सुर से इसमें त जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा सूरत, जमावे यानी जामनगर, कक्ष तो आप जानते ही हैं। तो सब सुर जमावे कक्ष के रन में। आइए अब हम सब जाने झारखंड में बॉक्साइट कहां कहां मिलता है। तो झारखंड बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है, ये तीसरे नंबर पे है, तीसरे पायदान पर, कौन, झारखंड, तथा देश का 14% बॉक्साइट उत्पादन करता है झारखंड। पहले हम लोग के ही राज्य में था, अलगे हो गया, नहीं एक गाना भी निकला था, अब भैले कहेंगे अलगे भैले झारखंड, अब खइह शकरकंद ना। तो झारखंड में कहाँ कहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, तो पलामू, लोहरदागा, रांची, लातेहार, आप लोग तो बहुत दिमाग वाले हैं, इस तरह याद कर लेना, मैं तो ऐसे याद करता नहीं, जिस तरह से मैंने याद किया है तुम्हें बता देता हूँ, कोशिश करना देखना। राम लोहरा तोहरा लात से बॉक्साइट झरता, राम लोहरा तोहरा लात से बॉक्साइट झरता, लात से बॉक्साइट झरता, लात से रामू तो तरहवा सब का कह देता है, र को ल पढ़ देता है,
प जोड़ दीजिए, पलामू, लोहरदगा, रास रांची जो झारखंड की राजधानी है, लातेहार इन्हीं जगहों पर पाया जाता है। चलिए, भारत का 6% से अधिक बॉक्साइट उत्पादन करता है। सरगुजा का पठारी प्रदेश, रायगढ़ तथा बिलासपुर में बॉक्साइट मिलता है। कर्नाटक में बॉक्साइट के प्रमुख निक्षेप बलगाम जिले में पाए जाते हैं। तमिलनाडु के नीगरी, सलेम, मदुरई, कोयम्बटूर तथा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले बॉक्साइट के अल्प उत्पादक है। जम्मू और कश्मीर के पुंछ एवं उधमपुर जिलों में उत्तम कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं। बॉक्साइट के मुख्य आयातक देश इटली, यूके, जर्मनी एवं जापान है। आइए अब हम सब जाने चूना पत्थर के उत्पादक राज्य कौन कौन से है। दोस्तों, उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। कर्नाकर के छौड़ी उत्तर प्रदेश से गुजरी है, अछौड़ी बिहार झारखंड से गुजरी है, छौड़ी राजस्थान से गुजरी है, अछौड़ी मध्य प्रदेश से गुजरी है, अछौड़ी महाराष्ट्र से गुजरी है। मेरा सीधा साधा भोला भाला चूना पत्थर ले गया हो, हो रब्बा हो रब्बा हो। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब जानेंगे। चूना पत्थर के उत्पादक राज्य है कर्नाटक, छौ से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरी से गुजरात, और ये आप देख ही पा रहे हैं कि बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।